हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको मेरा नमस्ते प्रणाम। दोस्तों, आज की बहुत ही चटपटी सब्जी बनने जा रही है, तो आज की चटपटी सब्जी के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है रमोला रसोई में। तो दोस्तों, आज की चटपटी सब्जी है आलू और बैंगन। दोस्तों, बैंगन भी कई तरह के होते हैं, बैंगन बैंगनी, बड़ा बड़ा जो भरते वाला बैंगन होता है वो, लेकिन मैं बनाने जा रही हूँ आज बैंगनी और आलू। तो सबसे पहले मैंने आलू को धो देना है, इनके बाहर से जो मिट्टी लगी होती है पहले उसको साफ़ कर दूँगी, और उसके बाद इसको अच्छे से छिल के, और छिलने के बाद धोऊँगी, फिर इसको कटिंग करके अपने हिसाब से छोटा या बड़ा जितना भी मेरे को रखना है उस हिसाब से इसकी कटिंग कर दूँगी। और दोस्तों, इसके साथ मैंने कहा था बैंगनी है, तो ये इसके साथ बैंगनी भी मैंने रखी है, तो इनको भी मैंने धो के रखा था बहुत अच्छे से। और इनकी पहले जो डंडिया है ना वो मैं निकाल लूँगी, और पहले आलू के साथ जो है ना डंडिया में पका लूँगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहना, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों, आलू को मैंने 2 मिनट पका लिया है, और अब जो इसमें आपको बैंगन की डंडियां दिख रही है ना, इनको कभी भी फेंकिएगा मत, इनको निकाल के साइड में मैंने कर दिया है। और इसको मैं सबसे पहले आलू के साथ डालूंगी, और 2 मिनट इसको पका लूंगी आलू के साथ। सच मानो बहुत ही स्वाद होती है ये डंडियाँ, आप इनको ज़रूर ट्राई करके ज़रूर देखना। तो सबसे पहले मैं आलू के साथ इनको डाल दूँगी। तो आलू मैंने 2 मिनट पकाए थे, अब ये डंडियाँ मैं इसमें डालूँगी बैंगन की, जो टोपी होती बैंगन की, इसका बहुत ही ऐसा टेस्ट आता है। तो ये मैं मिला के 2 मिनट इसको पका दूँगी, और ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी, तो उसके बाद मैं इसमें डालूँगी जो मैंने बैंगनी काट के रखी है, वो इसमें मैं डालूँगी बाद में। तो ये देखो, अब मैंने बाकी कटी सब्जियाँ भी इसमें डाल दी है, और बहुत ही स्वाद सब्जी बनेगी। तो चलो, मैंने इसको मिला दिया बहुत अच्छे से, और इसको ढक देते हैं, और 2 मिनट इसको पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बैंगन बहुत जल्दी पक जाते हैं, तो सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो ये देखो, पहले चेक कर लेते हैं सब्ज़ी हमारी पकी कि नहीं पकी, तो एक बार पहले चेक कर लेंगे। तो अभी थोड़ा सा मेरे को लग रही है कि थोड़ा और पकाने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सा और पकाते हैं एक बार पलट के, और 1 मिनट और पका देंगे, और फिर हमारी सब्ज़ी लगभग बिल्कुल तैयार है। तो चलिए दोस्तों, 1 मिनट हमने और पकाया है, और सब्ज़ी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार है। यकीन मानो बहुत ही स्वाद होगी, देखने में तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप भी ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट तरह की रेसिपी सब्ज़ी तैयार करके बनाइए और खाइए, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। चलो इसको सर्व कर देते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ऐसी बनाती हूँ कि हर कोई बना सके, उस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो कमेंट में भी मुझे बताना कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपको मेरा नमस्ते प्रणाम, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।